सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं देसी यूट्यूबर और मैं सर्वे का स्वागत करता हूं फिर से मेरे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम आज आए हैं जम्मू और जम्मू में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं एक फेमस जू जिसका नाम है मांडा जू। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहे वीडियो पर और भी देखते रहे पूरा वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाना शुरू करते हैं जम्मू का मांडा जू। दोस्तों, जम्मू के इस मांडा जू में आप लोगों को बहुत से पक्षी देखने को मिलेंगे और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो के देखते रहिए। आगे और भी बड़े बड़े जानवर हैं जो हम आप लोगों को दिखाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। द इंडियन रॉक पाइथन। फ्रेंड्स, इसे हम लोग अपने गांव में शाही बोलते हैं और ये गांव में बहुत ही ज़्यादा मिलता है। फ्रेंड्स, मैं अकेले मांडा जू नहीं आया था, मेरे साथ चार लोग और आए थे। हम लोग पांच लोग हैं और ये भाई लोग मिल गए हैं साथ में, मैं तो पीछे रह गया था। आइए दिखाइए कहाँ है। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही अंधेरे में सोया हुआ था और हम खुद नहीं देख पाए, तो आप लोगों को कहाँ से दिखा पाएंगे। चलिए आगे कुछ और दिखाते हैं और मेरे साथ है डॉक्टर रोहित यादव।
हाय फ्रेंड्स, कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा हमें। जम्मू में आए और ये मांडा जू में आप घूम रहे हैं इस समय जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील महसूस हो रहा है। आपने सोचा था कभी मांडा जू आ जाएंगे? जी नहीं। तो प्रदीप जी, ये बताइए, आप वाराणसी से जम्मू आए हैं और मांडा जू घूम रहे हैं, कैसा फील रहा आपको? कुछ तो यहाँ तक ठीक लगा हम लोगों को, काफी मतलब कुछ तो ऐसा लगा कि खाली खाली लग रहा, पर यहाँ आने के बाद लगा कि यहाँ कुछ जगह पाए, अच्छा पार्क है यहाँ पे। अपने वाराणसी में भी तो सारनाथ जू है, वो कैसा लगा? उससे तो कुछ नहीं कह सकते, पर दोनों इक्वल है, पर बट ठीक है यहाँ के लिए, यहाँ जो लोकेशन है ठीक है, थोड़ा वहाँ घना है, वहाँ पे यहाँ घना रहता है, वहाँ घना नहीं है, बट यही है कि जो चीजें बहुत परफेक्ट है, साफ सुथरा है, अच्छी चीज है। तो आप कुछ और कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जब भी आए मांडा पे जरूर आए, मांडा घूमे जम्मू, आप लोग जब भी आए तो मांडा जू घूमने जरूर आए। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, चलिए बने रहे वीडियो पर और आगे आप लोगों को दिखाते हैं, और से जानवर होंगे बहुत से। इतने ज्यादा मंकी, अपने अपने मोबाइल अपने जेब में रख लीजिए। दांत तो ऐसे दिखा दिया कि पानी अब लेने का हिम्मत ही नहीं। सोया हुआ है धूप से। कितने हैं? दो। चलिए आगे चलते हैं। कुछ आवाज निकल रहा है ये। उड़ जा मेरे भाई। Thank you.
नाखून तो इतने बड़े बड़े हैं कि अभी पाएगा तो अभी फाड़ डालेगा। नाखून दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए इसके पैर के नाखून। बारह सिंगा तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि मांडा जू में कितनी भीड़ है और कितने लोग आए हुए हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मांडा जू में यहाँ के जानवरों को देखने के लिए। तो आप लोग कभी भी अगर जम्मू आते हैं तो मांडा जू घूमने जरूर आइएगा। और हमारे साथ में है विकास जी। विकास जी कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे सब लोग आके घूमे, मजा करें, लाइफ में कुछ है नहीं, यही है बस, आए और एंजॉय करें मांडा जू, और पूरी फैमिली के साथ आते रहे और देखते रहे। और टिकट भी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल टिकट है इतना, एक आदमी का 20 रूपए। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट में जरूर बताइएगा कि मांडा जू आप लोगों को आना है या नहीं आना है। चलिए सर थक गए, चलिए उठे उठे, अभी बहुत से जानवर दिखाने हैं आपको, लगता है आप भी पहली बार आए हैं मांडा जू। फ्रेंड्स मांडा जू में हमने आप लोगों को बहुत बड़े बड़े जानवर दिखाए, सांप, अजगर, और जिसे अपने बनारस में बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, भालू, और वो क्या था, शाही, शाही भी दिखाया आप लोगों को, चीता भी दिखाया। तो फ्रेंड्स बहुत कुछ दिखाया हमने आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मांडा जू का। तो बस आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, तो अगला वीडियो हम आप लोगों को कल दिखाएंगे जम्मू से कटरा का। तो चलिए बने रहे वीडियो के साथ और अगला वीडियो आने तक बाय बाय।